फ्रेंड्स, इवन सो का मतलब इसके बावजूद भी। लेकिन इवन सो का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले, यानी कोई ऐसा रिजल्ट मिले जो चौंकाने वाला हो। जैसे, मैं उसकी बहुत मदद किया, इसके बावजूद भी वह मुझे धोखा दिया। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का सेंस है कि ये बात बहुत सरप्राइजिंग है, कितना मदद करने के बावजूद भी वो मुझको धोखा दे दिया। तो फ्रेंड्स, इवन सो का यूज आप तब करेंगे जब आपको कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले। जैसे, आई हेल्प्ड हिम अ लॉट ऑफ, मैंने उसकी बहुत मदद किया, इवन सो, इसके बावजूद भी, ही चीटेड मी, उसने मुझे धोखा दिया। सचिन वॉज इंजर्ड, सचिन जख्मी था, इवन सो, इसके बावजूद भी, ही स्कोर्ड 100 रन्स, इसके बावजूद भी वह 100 रन बनाया। तो फ्रेंड्स, आपने यह देखा कि यह एक सरप्राइजिंग रिजल्ट है। सचिन इंजर्ड था, जख्मी था, फिर भी उसने 100 रन बना दिए, या इसके बावजूद भी सचिन 100 रन बनाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि इवन सो का मतलब इसके बावजूद भी होता है। लेकिन कमाल की बात है कि हम इसका इस्तेमाल तब करेंगे जब हमें कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले, कोई ऐसी बात हो जाए जो यकीन न हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह सकता हूँ, वह अंधा है, इसके बावजूद भी वह टाइपिंग कर लेता है। तो फ्रेंड्स, ये तो एक सरप्राइजिंग बात है कि अंधा होने के बावजूद भी वह टाइपिंग कर लेता है। तो मैंने बोला इसके बावजूद भी, तो वर्ड इसके बावजूद भी के लिए आप कहेंगे इवन सो। आइए फ्रेंड्स, अगला वर्ड देखते हैं। जब मैं अच्छा काम करता हूँ तब भी वह डांटती है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इवन व्हेन आई डू गुड जॉब सी स्कॉल्ड्स, यानी जब मैं अच्छा काम करता हूँ तब भी वह डांटती है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का सेंस है कि एक तो मैं अच्छा काम करता नहीं हूँ, यानी ऐसा ओकेजनली करता हूँ, कभी कभी करता हूँ, लेकिन अगर कभी कर देता हूँ तो भी वह मुझको डांटती है। जब मैं सच बोलता हूँ तब भी वह यकीन नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इवन व्हेन आई स्पीक ट्रूथ ही डज नॉट बिलीव, यानी ही डजंट बिलीव। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इवन व्हेन का इस्तेमाल समझ में आया। आइए फ्रेंड्स, अगला वर्ड देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब इवन दो के बारे में देखें कि इवन दो का क्या इस्तेमाल है। फ्रेंड्स, इवन दो का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो चाहे फिर भी। जैसे, चाहे वह कड़ी मेहनत करे फिर भी वह पास नहीं होता है। कई बार लोग इस सेंटेंस को ऐसे भी कहते हैं, भले ही वह कड़ी मेहनत करे फिर भी वह पास नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको ऐसा सेंटेंस मिले जहां लिखा हो चाहे भले ही, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इवन दो का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस का सेंस होता है समथिंग ऑलवेज डन, यानी कोई चीज हमेशा होता है। जैसा कि अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, चाहे वह कड़ी मेहनत करे फिर भी वह पास नहीं होता है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए ये फेल होने का काम परमानेंट होता है। चाहे वह सच बोले लोग यकीन नहीं करते हैं, तो इस सेंटेंस का सेंस है कि भले ही वह सच बोले लेकिन यकीन करने का काम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस का सेंस है समथिंग ऑलवेज डन, कोई चीज परमानेंट होती है। चाहे वह कड़ी मेहनत करे इवन दो ही वर्क्स हार्ड, फिर भी वह पास नहीं होता है। तो फिर भी के लिए आप कॉमा देंगे, वह पास नहीं होता है, ही डजंट पास। चाहे वह सच बोले लोग यकीन नहीं करते हैं, इवन दो ही स्पीक्स ट्रुथ कॉमा पीपल डोंट बिलीव, यानी चाहे वह सच बोले लेकिन लोग उस पर यकीन नहीं करते हैं, ये जो यकीन का काम है वो नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इवन दो भी समझ में आया कि जब आपको कहना हो चाहे फिर भी, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इवन दो का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे वाले सेंटेंसेस में इवन दो लिखेंगे और जो सेंटेंस फिर भी से जुड़ा है उसके पहले आप कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। आइए फ्रेंड्स, अगला वर्ड देखते हैं। फ्रेंड्स, इवन का मतलब भी या यहाँ तक कि। वर्ड इवन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं या किसी बात को लेकर हैरत में रहते हैं, यानी एक ऐसी बात के लिए करते हैं जिसे यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे, यहाँ तक कि उसके पापा भी झूठ बोलते हैं, मतलब वह झूठ बोलता है यह बात तो समझ में आया, लेकिन उसके पापा भी झूठ बोले ये बात तो बहुत सरप्राइजिंग है, यकीन नहीं हो रहा है कि उसके पापा भी झूठ बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह का सेंस जहाँ आप किसी बात को लेकर बहुत हैरत में हैं, बहुत आश्चर्यचकित हैं या सरप्राइज हैं, तो इस तरह के बात को कहने के लिए आप इवन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे, यहाँ तक कि उसके पापा भी झूठ बोलते हैं, इवन हिज फादर
टेल चलाए। यहाँ तक कि एक अध्यापक भी गलती कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में आश्चर्य की बात हो रही है या किसी हैरत की बात हो रही है कि यहाँ तक कि एक टीचर भी गलती कर सकते हैं। आप कहेंगे इवन अ टीचर कैन मेक मिस्टेक। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इवन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारा सेंस हो यहाँ तक कि, और इस तरह के सेंटेंसेस से एक सरप्राइज की पता चले, एक हैरत वाली बात हो या आश्चर्य वाली बात हो, मतलब एक ऐसा बात हो जिसे यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल हो। फ्रेंड्स, कई बार इवन का मतलब भी होता है जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इवन मतलब यहाँ तक कि, ये बात तो आप समझ चुके हैं, लेकिन आइए कुछ एग्जांपल भी पर भी देख लें। फ्रेंड्स, अगर हम अपने सेंटेंस में बोले भी लेकिन हमारा सेंस सरप्राइजिंग हो, यानी हमारे कहने का सेंस हो यहाँ तक कि, तो इस सेंस में आप इवन का इस्तेमाल करते हैं। यानी इस सेंटेंस में भी तो लिखा है लेकिन ये आल्सो वाला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी का सेंस यहाँ तक कि से है। जैसे आपने भी मुझ पे शक किया, तो इस सेंटेंस का सेंस है यहाँ तक कि आपने भी मुझ पर शक किया। तो फ्रेंड्स, जब आपके सेंटेंस में लिखा हो भी और उसका सेंस यहाँ तक कि हो, यानी उसमें सरप्राइज वाली बात हो या आश्चर्य वाली बात हो, तो आप इवन का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको खास बात बता दूं कि इवन का इस्तेमाल आप उस नाउन या प्रोनाउन के पहले करेंगे जिसके साथ वो आया हुआ है। जैसे आपने भी, यहाँ पर भी आपके साथ आया हुआ है, तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो भी की इंग्लिश उस नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखेंगे, जैसा कि मैंने यू के पहले इवन लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ये दो बात याद रखेंगे कि इवन का मतलब यहाँ तक कि, लेकिन कई बार आपके सेंटेंस में बस भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन ऐसे भी का सेंस यहाँ तक कि ही होता है, और इस तरह के सेंटेंसेस से सरप्राइज या हैरत या आश्चर्य का पता चलता है। सेंटेंस पढ़ने पर पता चलेगा कि यह काम होने की उम्मीद नहीं की गई थी, यह काम तो बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत हैरत वाली है। आपने भी मुझ पे शक किया, यानी यहाँ तक कि आपने भी मुझ पर शक किया। इवन यू सस्पेक्ट मी हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। उसने भी मुझे मदद नहीं किया, यानी गैर लोगों ने तो मदद किया ही नहीं, साथ ही साथ उसने भी मेरी मदद नहीं किया, यानी यहाँ तक कि उसने भी मुझे मदद नहीं किया। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इवन ही डिडंट हेल्प मी। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा, यहाँ पर भी की इंग्लिश मैंने इवन लिखा है, और इवन का इस्तेमाल मैं उस वर्ड के पहले किया हूँ जिसके साथ वो आया हुआ है। इवन एज, जैसे ही वैसे ही। फ्रेंड्स, इवन एज का इस्तेमाल हम जैसे ही या वैसे ही के लिए करते हैं। जैसे ही वह मुझे देखा वैसे ही वह छुप गया। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इवन एज ही सॉ मी ही हिड, यानी जैसे वह मुझे देखा वह छुप गया। आइए फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही वह कमरे में आए वैसे ही सब ताली बजाए। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इवन एज ही केम इन द रूम ऑल क्लैप्ड, यानी वैसे ही सब ताली बजाए। फ्रेंड्स, जैसे ही के लिए आप लिखेंगे इवन एज, लेकिन वैसे ही के लिए आप सिर्फ कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। आइए फ्रेंड्स, लास्ट वर्ड देखते हैं। इवन इफ, यानी चाहे। जैसे चाहे तुम मुझे गाली दो, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इवन इफ यू अब्यूज मी आई शैल नॉट टीच यू, यानी चाहे तुम मुझे गाली दो मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो शैल की जगह पर विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, ये सभी वर्ड्स आपको बहुत पसंद आए होंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह लेसन पसंद आया तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।